बाकी सैल्यूट है तमाम उन अधिकारियों को जिनकी जवाबदेही यहाँ पे तय होनी चाहिए। सैल्यूट है उन तमाम जिम्मेदारों की जो अपने आप को इस एरिया का जिम्मेदार घर बनवा लेते बिना नक्शा पास कराए नाले हो नहीं सकता। फिर आप शहर में कैसे पब्लिक अलाउ कर रहे हो कि बिना नक्शा के बन जाएगा? अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा। किसकी जिम्मेदारी है ये आप मुझे बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है? अगर मैं घर बनवा रहा हूँ आड़े ताड़े तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? का रास्ता है कहीं अगर मान लीजिए भगवान न करे गिर गए तो गिरने के लिए कहीं गिर सकता आदमी, गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाती है। बार बार लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री सीएम सिटी है, सीएम क्या करेंगे, आके यहाँ नाला साफ करेंगे? नहीं, दोनों घटना हो, कोई विवाद हो जाता है चाहे कुछ भी हो जाता है, अब दोनों लोग अपने दोनों लोग से वोट लेना है तो प्रधान जी लोग ही ज्यादा सोचते हैं जाए तक के जाइए अब वोट कम हो जाए। जिम्मेदारी है अधिकारी से लेकर के राजनीतिज्ञों की, सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई किसी के गलत काम पे बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। नमस्कार, मुख्यमंत्री का यह शहर है और विकास इतना हुआ है कि आप देख सकते हैं विकास की गंगा बह रही है और गंगा जी के साथ साथ यमुना जी इधर से बह रही है और इधर से सरस्वती जी, यानी कि विकास का जो त्रिसंगम है आपको यही गोरखपुर में देखने को मिलेगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी विकास की बात होती है तो बड़का बड़का पोस्टर लगा दिया जाता है और बहुत बड़े रूप से उसे प्रचारित किया जाता है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मैं ज़्यादा बकबकाऊंगा नहीं तो आप कहेंगे कि भाजपा एंटी भाजपा पत्रकार है, चिल्ला रहा है। सर क्या नाम है आपका? हमारा छत्रधारी यादव। आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं? पूर्व प्रधान। ऐसे विकास हो प्रधान जी? अब विकास तो सामने दिखाई दे रहा है, विकास प्रधान रहे हैं और आवाज नहीं उठाएंगे कैसे विकास होगा? ये आवाज तो हम लोग उठाए हैं कि सीएम सिटी हमारे गोरखपुर है, मुख्यमंत्री जिले के हुए हैं, हम लोगों का विकास बहुत होगा, बगैर वह उम्मीद नहीं हुआ। आप यादव इसलिए कह रहे हैं? नहीं यादव नहीं, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत पार्टी से हट के मैं बात कर रहा हूँ। कमेंटवा में जो लोग देखेंगे ना उनको ये तकलीफ नहीं दिखाई देता है सर? जैसे मैं तकलीफ में बोला हूँ कि आप यादव हैं इसलिए हाई तकलीफों नहीं दिखाई देगा कमेंटों वालों को? अंधभक्ति चढ़ी रहती है, देखिए उनको यह लगेगा कि मैं एंटी भाजपा पत्र, अरे पत्रकार का काम है सवाल पूछना, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव जब गलत करते हैं तो चिल्ला के सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूँ और किसी भी दल के हों जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए कहा हूँ कि तकलीफ कमेंट वालों से होती है, वो यहाँ की तकलीफ नहीं देखते हैं कि हाँ किस परिस्थिति में लोग आ जा रहे हैं। तो 5 साल हो गया सरकार बने, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे शहर के हैं और यहाँ के, मैं उनका दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष है यहाँ के आला अधिकारियों का। जब जवाबदेही तय करनी होती है तो आके लिपापोती करने लगते हैं और जैसे ही बरसात खत्म हुआ तो वो सोचते चलो साल भर के राहत हो गई। तो किस तरह से देखते हैं अब क्या होगा, ऐसा रहेगा? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए था। इस पर नाला, मेन रोड पर नाला की सफाई होना चाहिए थी, नाले की सफाई। जो चाचा दूध चाय बनेगा घर पे? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। और इधर कहीं आप जा रहे हैं? हाँ बस यही घर है हमारा। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। गिर गए तो? अरे गिरे कैसे, जान रहे हैं रोज का रास्ता है। कहीं अगर मान लीजिए भगवान न करे गिर गए तो? गिरने के लिए कहीं गिर सकता आदमी, गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाती है। आप लोग का बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन पब्लिक घर बनवाती है ना तो वो सोचती नहीं है कि नाला हम बंद कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पार देते हैं लोग घर के अगल बगल, नाले पे मकान बन जाती है, बिल्डिंग बन जाती है। सरकारों का दोष होता है? नहीं, अधिकारियों का दोष होता है, अधिकारियों का दोष होता है, अधिकारियों का नहीं। बार बार लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री सीएम सिटी है, सीएम क्या करेंगे, आके यहाँ नाला साफ करेंगे? नहीं नाला साफ नहीं करेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल। आपने कहा कि लोगों का दोष होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और वो अधिकारी जिनके देख रेख में तमाम ये काम होना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? ये जो हमारा सिस्टम है ना, वो सिस्टम शुरू, इधर आ जाओ, ये सिस्टम शुरू से गड़बड़ है, आज से नहीं गड़बड़ है। और सिस्टम में मूलभूत सुधार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। एक आदमी 5 साल हो गया, मूलभूत सुधार कब होगा? 5 साल नहीं हुआ, 60 साल हुआ, 5 साल कहाँ हुआ? नहीं तो ओटवा पिछले 17 को चाचा हम ढेर ना जानते हैं, बहुत मतलब कि खर खर बोली ला और उसी लिए बदनाम हो। 17 में नहीं, जितने बार इलेक्शन के लिए लोग आते हैं वोट मांगने, हम लोग लड़के हैं अभी कितना उम्र हुआ? नहीं तो हम लोग का उम्र ज्यादा हुआ ना, जितने बार आते हैं वोट मांगने के लिए उतने बार परिवर्तन के लिए ही वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, तमाम वादा होता है, लेकिन जब तक सिस्टम पूरा शुरू से नीचे से ऊपर तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक नहीं होगा ये चीज़। ये भी दिखाइए कि हम लोग पानी में खड़े हैं, ये भी दिखाइए। हाँ कठिनाई तो है ही, पानी में खड़े हैं हम लोग, लेकिन इसके जिम्मेदार प्रशासन के साथ साथ हम लोग स्वतः भी हैं। प्रशासन तो है ही, नगर निगम मान लीजिए तो हम लोग का नगर निगम में नहीं है, ग्राम सभा है,
अब आया है ग्राम सभा है, नगर निगम नहीं है, लेकिन इसका जिम्मेदार अब प्रधान जी क्या करेंगे? मान लीजिए प्रधान है, घर आप बनवाना शुरू कर दिए तो प्रधान क्या करेंगे, लड़ने जाएंगे? वो तो सोचेंगे ऑटो आगे उड़ाया जाएगा। आप ये बात बताइए, प्रधान जी लोग यस ज्यादा सोचते हैं। एक मिनट चाचा, जैसे कोनो घटना हो, कोई विवाद हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, अब दोनों लोग अपने दोनों लोग से वोट लेना है, तो प्रधान जी लोग ही ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा के जाइए अब वोट कम हो जाए। सही बात, ये होता है दिमाग में, दिमाग में होता है, बस सही जो हो वही कहिए, सही जो हो वही होना चाहिए। लेकिन जैसे चाचा आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे, चूंकि ये वीआईपी जिला है, मुख्यमंत्री का शहर है, इसे कोई ना, आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार इन द सेंस कि जनता तो अपनी वाली करती है, जनता तो जो करना रहेगा करेगी, लेकिन क्या यहाँ के जो अधिकारी गण है उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है? सारे लोगों की जिम्मेदारी है, अधिकारी से लेकर के राजनीतिज्ञों की, सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई किसी के गलत काम पे बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में। यदि आप नाले के ऊपर मकान बनाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दें। समस्या ये एक जगह नहीं है, समस्या बहुत डीप है, गहरी है। मैं बार बार अधिकारियों को दोषी क्यों कह रहा हूँ? केवल अधिकारी को कह रहे हैं ना, हाँ। मैं अधिकारियों के साथ साथ समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी। अच्छा है। सर, नागरिक अगर अच्छे होते हैं, अगर नागरिक अच्छे होते हैं तो 70 साल हो गया देश के आजाद हुए, हम लोग यहाँ पे माइक लेके चिल्ला थोड़ी रहे। कह रहा हूँ मैं अपनी मकान बना रहा हूँ, रास्ता मेरा पतला है, उसके बाद भी 1-2 फुट मैं बढ़ जाऊंगा, रास्ता बंद हो जाएगा, प्रधान जी क्या करेंगे? प्रधान जी आएंगे, सोचेंगे भाई कौन मार करे, हम झगड़ा कौन करे, बवाल कौन ले। समस्या बहुत गहरी है। अपना नाम एक बार फिर से बताइए। डॉक्टर सत्येंद्र राय। मैं नाम दोबारा इसलिए पूछा ताकि जहन में रहे, क्योंकि इस तरह की वार्ता अमूमन हो नहीं पाती है, लोग समस्या बताते हैं और समस्या बता के चले जाते हैं, तो ये समस्या आप देखिए। और साथ साथ बहुत धन्यवाद, मूलभूत समस्या उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पानी में आ करके जो आपने आप ये काम कर रहे हैं और ये आगे लोगों के जहन में पहुँचा रहे हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे किसी पार्टी के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों। चाचा से ये बात हो रही थी, मैं बता रहा हूँ, चाचा से यही बात हो रही थी कि अब हम लोग भाजपा एंटी होता है, वैसा कुछ कमेंट बॉक्स में लोग आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन ये समस्या आपने उठाया है, इसके लिए आपको साधुवाद है, आपको धन्यवाद सर। और यहाँ पे और तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? बरवलिया चौराहे से आ रहे भैया। इधर है? हाँ, इधर अंदर की तरफ है। अंदर से आ रहे हैं? हाँ। मजा आया आके? बहुत 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 बहुत, हाँ। पूरा लग रहा है कि टोक्यो हो गया है। हाँ, गोवा में है। गोवा में है? गोवा में है भाई साहब, गोवा में है। टोक्यो तो छोड़िए, हाँ। गोवा में है हम, बीच पे अभी देखेंगे ना, बीच से निकल के आ रहे हैं, बढ़िया आइस क्यूब के साथ। तो जैसे अभी बात हुई है, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग घर जब बनवाते हैं, अच्छा अधिकारी लोग तो खैर का नाम है बहुत महान है नगर निगम को, महान है लोग, महान है, लेकिन ये समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान तो गवर्नमेंट करेगी ना, टैक्स किस बात का लेती है? टैक्स इस बात का लेती है कि हाँ पानी फेंक जाए इतना दूर तक, टैक्स पेयर आखिर क्या करेगा? और जिम्मेदार नागरिक का रोड है, ये रोड है, और जो जिम्मेदार नागरिक है, जो उल्टा सीधा घर बनवा लेते बिना नक्शा पास कराए नाले पे, हो नहीं सकता। फिर आप शहर में कैसे पब्लिक अलाउ कर रहे हो कि बिना नक्शा के बन जाएगा? अधिकारियों की जिम्मेदारी ज्यादा, किसकी जिम्मेदारी है ये? आप मुझे बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है? अगर मैं घर बनवा रहा हूँ आड़े ताड़े, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चलिए मैंने बनवा लिया, फिर नगर निगम में क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा नाम है। तो तकलीफ है? तकलीफ तो है ही, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री का शहर है, गोरखपुर है, मुस्कुराइए, गोरखपुर में है। तो ये तमाम लोग थे, इनसे बातचीत हुआ, और आप बस देखते रहिए। अब वहाँ पे गाड़ी देखिए बिल्कुल पलटने के कगार पे है, और चाचा हमको बुला रहे हैं, एक मिनट। मैं गोरखपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, ये हमारी गाड़ी आती है। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से लोग जूझ रहे हैं। 2-3 दिन से मौसम खराब है, और यह समस्या कब तक रहेगी, किस प्रकार रहेगी, आप बिल्कुल देख सकते हैं कितनी जर्जर व्यवस्था है यहाँ पे। और सब मिला जुला के जब तक इसका परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक ये समस्याएं इसी तरह से मंडराती रहेंगी, और यहाँ के स्थानीय लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे। बाकी सैल्यूट है तमाम उन अधिकारियों को जिनकी जवाबदेही यहाँ पे तय होनी चाहिए, सैल्यूट है उन तमाम जिम्मेदारों की जो अपने आप को इस एरिया का जिम्मेदार मानते हैं, जो अपने आप को जननेता कहते हैं, तमाम लोगों को सैल्यूट है, क्योंकि इतने साल हो गए और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाकी कैमरे के उस पार से बड़े संघर्ष के साथ मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।